ड्राइंग स्केचिंग में बचपन से करते आया था, पागलों की तरह करता था, पागलों की तरह प्रैक्टिस करता था, रात रात भर जाग जाग के मैं बचपन में प्रैक्टिस किया। लेकिन 12th जब मैंने कंप्लीट किया तो मुझे रियलाइज हुआ कि आर्ट में प्रोफेशनल बनना मैं चाहता हूँ। मेरा पैशन था आर्ट को फॉलो करना, प्रोफेशन बनाना। तब मुझे फील हुआ कि सीखना पड़ेगा, अपने आप से कुछ भी करते रहने से नहीं चलेगा। मेरे जो पहले आर्ट के टीचर थे SK पंडा सर, उनसे मैंने सीखना शुरू किया, जो मेरे स्कूल में आर्ट टीचर थे उनसे मैंने सीखा, काफी टाइम तक सीखा। मैंने इंटरनेशनल आर्टिस्टों को फॉलो किया और पाया कि अपनी स्किल को बहुत स्ट्रांग करने के लिए वो ड्रॉइंग और प्रिंसिपल पे सबसे ज्यादा काम करते हैं। टेक्निक्स बहुत हो सकती हैं, कलर बहुत हो सकते हैं, लेकिन प्रिंसिपल फंडामेंटल सेम ही होते हैं और उसके ऊपर सबसे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। और वो चीज समझने के बाद मैंने अपनी स्किल्स में काफी तेजी से ग्रोथ देखी। चीजें समझ में आने लगी, क्या कॉन्सेप्ट होता है, क्या थॉट्स होते हैं, आर्टिस्टों को समझ में आने लगी। ऑफलाइन अकेडमी जब मैंने शुरू किया था तो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी वही चीज समझाता था कि इस चीज के ऊपर काम करो, उनकी भी ग्रोथ बहुत फास्ट हुई। तब मुझे रियलाइज हुआ कि कौन सी चीज मिसिंग हो रही है जिसकी वजह से इंडिया में स्किल्स लैक कर रहे हैं, और इसी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए ड्रॉइंग मास्टर की शुरुआत।